स्वागत है एक नई वीडियो में। इसका टॉपिक है अलार्म कैसे हटाएं। फ्रेंड्स मेरे पास है ओप्पो का फोन और फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल में पहली बार तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्लॉक ऐप पे ओपन करना है और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं अलार्म सेट है। अगर आप चाहते हैं कि ऑफ रहे तो इस प्रकार से ऑफ रहेगा और जिस वक्त आप इसे ऑन करेंगे उसी वक्त आपका अलार्म सेट हो जाएगा। एक दिन के लिए ऑफ कर सकते हैं, दो दिन के लिए, महीने के लिए, इस प्रकार से। एंड इस प्रकार से ऑन करेंगे तो उसी वक्त से आपका अलार्म सेट हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसी प्रकार से अलार्म सेट मतलब कि सेट हो जाएगा एंड इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ प्लस का निशान दिखता है, अगर मान लो कि आपका अलार्म नहीं है बिल्कुल तो इस प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ से भी अलार्म सेट कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे और इसको कैसे हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं इस प्रकार से ऑफ करें और मतलब कि इसे ऑफ करना है आपको। और इसके बाद इसको प्रेस करके रखेंगे और इसके बाद आप यहाँ देखिएगा डिलीट का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करें, फिर से डिलीट पे क्लिक करें और आपका अलार्म हट जाएगा। तो यहाँ ऊपर देख सकते हैं अलार्म हट चुका है। इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में अलार्म हटा सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स तब तक के लिए नमस्कार।